कि चूहे ने मिल गई हल्दी की घाट, अपने आपने पंसारी समझ बैठा। कुछ लोगों को थोड़ी बहुत चीज सुविधा मिल गई है तो वो अपने को राजा समझ बैठे हैं, उनको ये नहीं पता है नंबर सबका आएगा। इस देश की सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए हमारे समाज ने काम किया है, हमने डोलियां उठाई, हमने गंदगी उठाई, हमने मरे हुए पशुओं को उठाया, चाहे किसान आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, कदमों से कदम मिलाने का काम हमने किया है। इन बच्चों के लिए हम आए हैं, ना कि उन गंदी मानसिकता के लोगों के लिए आए हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो अगर ये तभी इकट्ठा हो जाते तो आज हमारे पहलवानों के ऊपर अत्याचार करने के लिए ये ब्रजभूषण जैसे आदमी पैदा नहीं होते और ना ही किसी सरकार की मत होती। सारी की सारी इनका इतिहास उठा के देख लो, इन सभी ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है। किसी ने जाति के नाम से किया, किसी ने धर्म के नाम से किया। आपके लोगों की जो जातिवादी मानसिकता की विचारधारा है ना, जो दिमाग के अंदर एक कीड़ा भरा हुआ जाति का, एक तो अपने की पहचान कर ले, दुश्मन ने पहचानना सीख ले। आज हमने अपने की पहचान करना सीख ली है और दुश्मन की भी कर ली है। मैंने आपको पहले ही बोला कि समाज के अंदर हर स्टेट के अंदर आपको जातिवादी मानसिकता के लोग मिल जाएंगे। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि जिस तरह आपने वंदना कटारिया का बताया, उसी तरह मैं हमारे किसी भी समाज के, हमारे समाज के जो खिलाड़ी हैं उनको भी यहां पर आकर समर्थन देना चाहिए। कम से कम इन बेटियों के अंदर, हाँ जी हाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वे बेटियां भी यहाँ पर आकर इनको समर्थन देती हैं, इससे जातिवादी जो खाई खत्म हो सकती है, शुरू नहीं हो सकती। इन बेटियों के अंदर हौसला है, इन बेटियों के अंदर जज्बा है, नहीं तो मैं कहूँगा कि शेड्यूल कास्ट के अगर बेटे इनके साथ आकर बैठ जाए, हम लोग समर्थन देने आए, तो इसका मतलब हमारी बहन बेटियों को भी साथ हमारे साथ ही है और गाँव की बेटियों का साथ भी इनके साथ ही है। तो मैं जितने भी खिलाड़ी और भी हैं उन सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, जो आवाज बुलंद करने की कोशिश इन लोगों ने की है, सभी खिलाड़ियों को इनका साथ देना चाहिए। अभी तो बबीता फोगाट की जो बहन है जो बीजेपी ज्वाइन कर रखी, ना तो बीजेपी का मोह छूट रहा है ना वो यहाँ करके समर्थन में बैठी है, कैसे देखते हो? जो बीजेपी का मोह नहीं छूट रहा, और अभी तो इन्हीं के परिवार में मतलब विक्टन है वो, जो बबीता फोगाट की, फोगाट की इनकी बहन है, वो यहाँ पर आकर के उनके समर्थन नहीं कर रही है। देखिए हरियाणा में कहावत मशहूर है कि चूहे ने मिल गई हल्दी की घाट, अपने आपने पंसारी समझ बैठा, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ लोगों को थोड़ी बहुत चीज सुविधा मिल गई है तो वो अपने को राजा समझ बैठे हैं, उनको ये नहीं पता है नंबर सबका आएगा। किसी के 10 लगेंगे, किसी के 5 लगेंगे, किसी के 4 लगेंगे। और जो आपने थोड़ी देर पहले मेरे मंजीत भाई से पूछी कि जी वंदना कटारिया की बात पूछी और प्रिया मेघवाल जो राजस्थान की बात है, बिरजू पहलवान है और नरसिंह यादव है, देखिये नंबर सबका आना है, नंबर आ रहा है ना, नंबर आ रहा है। अगर समय रहते 2009 के अंदर यही कम्युनिटी जो आज इनके साथ खड़े हैं, यही संगठन जो साथ खड़े हैं, उसने बिरजू पहलवान और नरसिंह यादव और जो प्रिया मेघवाल जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है उसके साथ देती, उनका विरोध करती, तो इन सरकारों को पता चलता कि भाई अत्याचार किसी के ऊपर भी हो, वो देश के लिए मेडल लेके आए हैं तो वो देश के बच्चे हैं, ना कि किसी जाति विशेष के। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन तमाम संगठनों को और इन पॉलिटिकल पार्टियों को ये कहना चाहूंगा और सभी खाप पंचायतों को कहना चाहूंगा कि जब ऐसी कम्युनिटी के किसी भी बच्चे के ऊपर अत्याचार होते हैं ना, तब आप पगड़ी बांध के दोबारा आया करो और आप छाती चौड़ी करके आया करो। इस देश की सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए हमारे समाज ने काम किया है, हमने डोलियां उठाई, हमने गंदगियां उठाई, हमने मरे हुए पशुओं को उठाया, हमने पता नहीं क्या क्या काम किए, फिर भी इस देश की सभ्यता संस्कृति भाईचारे को बढ़ाने के लिए, चाहे किसान आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, कदमों से कदम मिलाने का काम हमने किया है। परंतु आप इन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको अपनी मानसिकता सुधारनी पड़ेगी। इन बच्चों के लिए हम आए हैं, ना कि उन गंदी मानसिकता के लोगों के लिए आए हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, और मेरे समाज के अंदर जिन्हें भगाना कांड की, मिर्चपुर कांड की आपने बात करी, उनको सजा मिली और आगे फिर करके देख लियो, फिर जेल के अंदर को छूट देंगे, छोड़ते तो फिर भी को नहीं। अच्छा, आपने कहा कि वक्त रहते सुधर जाते तो शायद आज यहाँ नहीं बैठा पड़ता। आपका कहने का मतलब कहीं ना कहीं है कि जब वंदना कटारिया के साथ गलत हुआ और अन्य शेड्यूल कास्ट के पहलवानों के साथ गलत हुआ, तो तब सब लोग सोच रहे थे कि शेड्यूल कास्ट वाले हम क्या करेंगे, लेकिन बारी बारी से पिटेंगे सब। अगर तभी इकट्ठा हो जाते तो शायद आज इतनी हिम्मत नहीं। बिल्कुल, ये देश के तमाम राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठनों को, किसान यूनियनों को ये सोचना चाहिए कि भी जो देश के लिए मेडल लेके आ रहे वो देश की बेटी है, ना कि जाति विशेष की है। देश के किसी भी कोने, किसी भी राज्य के अंदर उसके ऊपर उंगली उठती है या कोई भी जातिवादी मानसिकता का आदमी उसके साथ इस तरीके का प्रहार करता है, घर के सामने खड़े होकर उसके लिए नारेबाजी लगाता है जाति विशेष के, तो अगर ये तभी इकट्ठा हो जाते तो आज हमारे पहलवानों के ऊपर अत्याचार करने के लिए ये ब्रजभूषण जैसे आदमी पैदा नहीं होते और ना ही किसी सरकार की मत होती। और ये सरकार, जितनी भी राजनीतिक पार्टी आ रही ना, ये सारी की सारी, सारी की सारी इनका इतिहास उठा के देख लो, इन सभी ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है। किसी ने जाति के नाम से किया, किसी ने धर्म के नाम से किया। ताजा राजस्थान की घटना ले लीजिए, कांग्रेस की घटना है वहां के अंदर, क्या वहां पर दलितों के सरेआम काटे नहीं जा रहा है?
क्या इन्होंने वहां पर जाके कोई काम किया? क्या वहां पर प्रियंका गांधी बैठने के लिए गई थी? क्या रॉबर्ट वाड्रा गया था? कोई नहीं पहुंचा ना। यूपी में तो आ रहे हैं ना? कहां यूपी में आ रहे हैं? यूपी में आते हैं हम तो वहां की घटना करेंगे ना, जहां दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे लोगों ने, कुछ गंदी राजनीतिकता के व्यक्तियों ने हमारे समाज को बांट के रख दिया है। गाँव के अंदर चले जाओ, एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, एक दो की गिनती नहीं होती। अगर एक दो फालतू बोले उसने उसी टाइम दबा दिया जाए, दबड़का दिया जावे, तो वो बोल रहे नहीं। और यही मुझे मुझे एक एक संस्मरण याद आता है कि जब भगाना कांड और तमाम लोग आंदोलन, यहाँ जनता कई सालों तक प्रोटेस्ट चला और यहाँ तक कहा गया कि कम से कम आप हमारी एक FIR करा दो, उनसे सम्मान घर लौट जाएंगे। तब उस समय हुड्डा जो मुख्यमंत्री आपके हुआ करते थे, उन्होंने कहा था हरियाणा के मैं जाट पहले हूँ और मुख्यमंत्री बाद में हूँ। तो आप देखिए ना भाई, वही बात दोहरा दी ना कि 2009 में बिरजू पहलवान के साथ हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, अरे हरियाणा में भी कांग्रेस थी, हुड्डा CM था, ठीक है ना। मैं यही इनको समझाने के लिए आज समर्थन बच्चों को देने आए हैं, पर मंच के माध्यम से ये कहने के लिए आए हैं कि भाई आपके लोगों की जो जातिवादी मानसिकता की विचारधारा है ना, जो दिमाग के अंदर एक कीड़ा भरा हुआ जाति का कि भाई मारे गया लोग हैं तो हम उस जाति के हैं, आप जाति के नहीं, आप समाज के और देश के नागरिक बन के रहे, क्योंकि भारत देश का संविधान ये कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप उसको माने, नहीं तो ये 80 लाख की जनसंख्या तो ऐसी समुदाय की हरियाणा के अंदर है, आजाद सोच आजादार नेतृत्व करके कहीं बिल में घुसाने का काम हम ना कर दे, ये भी सोच के बैठे। क्योंकि आज जितने भी SC कम्युनिटी के लोग हैं वो सारे के सारे जाग चुके हैं, वो अच्छे बुरे की पहचान करता है। छोटू राम जी ने एक बात कही थी, बाबा साहब के बड़े अच्छे मित्र थे, एक तो अपने की पहचान कर ले, दुश्मन ने पहचानना सीख ले। आज हमने अपने की पहचान करना सीख लिया और दुश्मन की भी कर ली है, समय आने पर बदला सब लिया जाएगा। भूलते हम भी नहीं है, पर देश के पहलवानों के साथ तन मन धन के साथ हमारा समाज खड़ा है, परंतु जो भी हमारे समाज के साथ अत्याचार करेगा संवैधानिक तरीके से उसको भाई जेल के पीछे भाजना, बिना फिर हम भी कह देंगे कि भाई सब तो पहले SC है, पीछे तो फिर हम भी ना हटते।